लेकर नवंबरी करो में दिखा उत्साह, शांति पूर्वक आस्था के साथ हुआ गणपति बप्पा का विसर्जन। कोरोना के चलते नवंबरी महानगर पालिका ने गणेशोत्सव को लेकर विशेष तैयारियां की थी। महानगर पालिका ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 135 कृत्रिम तालाब निर्मित किए थे। नवंबरी में कुल 4,336 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विशेष प्रबंधों के बीच अनंत चतुर्दशी के दिन कुल 22 पारंपरिक स्थलों पर 2140 घरघुती और 18 सार्वजनिक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं कृत्रिम तालाबों में 2164 घरघुती और 14 सार्वजनिक गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की गई। इस तरह करीब 54% गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में किया गया। महानगर पालिका की तरफ से विसर्जन स्थलों पर व्यासपीठ का निर्माण किया गया था, जहां से विसर्जन के लिए आने वाले भक्तों का स्वागत किया जा रहा था और स्पीकर के माध्यम से उन्हें विसर्जन के लिए बनाए गए नियम कानून बताए जा रहे थे। सुरक्षा की दृष्टि से विसर्जन स्थलों के पास बैरिकेडिंग की गई थी। वहीं बिजली जाने पर भी किसी भी तरह की समस्या ना आए, इसके लिए पहले से ही जनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। विसर्जन स्थलों पर 1,000 से अधिक स्वयंसेवकों के साथ अग्निशमक दल के जवान भी मौजूद थे। कोरोना से बचने के लिए इस साल लोग गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए घर से बाहर नहीं निकले। विसर्जन के दौरान किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं हुआ, सारा काम शांतिपूर्वक निपट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।